जिले के दिग्रेश शहर की गुरुकुल इंग्लिश मीडियम स्कूल के शिक्षकों ने राज्य सरकार के नाम स्कूलों को पूर्ववृत्त शुरू करने की मांग का ज्ञापन स्थानीय तहसील कार्यालय के माध्यम से सौंपा है। पेश है ये रिपोर्ट। बीते 10 जनवरी से राज्य भर की स्कूलें बंद होने से न सिर्फ अभिभावक बल्कि विद्यार्थियों द्वारा भी आपत्ति दर्ज की जा रही है। इसके अलावा राज्य सरकार के स्कूल और कॉलेज बंद के निर्णय से शिक्षक वर्ग भी खासा नाराज है। ऐसे में स्कूल प्रशासन की ओर से आए दिनों राज्य सरकार को ज्ञापन सौंप कर स्कूलें शुरू करने की मांग राज्य भर से उठ रही है। इसी कड़ी में दिग्रेश शहर में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केंद्र के रूप में परिचित गुरुकुल इंग्लिश मीडियम स्कूल के शिक्षकों ने स्कूलों को पूर्ववत शुरू करने की मांग को लेकर सोमवार 17 जनवरी को तहसीलदार सुधाकर राठौड़ के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में न सिर्फ शहरी इलाकों के विद्यार्थियों की बल्कि ग्रामीण विभाग के विद्यार्थियों के शैक्षिक नुकसान की चिंता व्यक्त की गई है। इसके अलावा गुरुकुल स्कूल प्रशासन ने सरकार से कोरोना दिशा निर्देशों के सख्ती से पालन के तहत स्कूलों को 50% विद्यार्थियों की उपस्थिति में एक दिन बाद शुरू करने का आग्रह किया है। इसके साथ ही विद्यार्थियों के पढ़ाई को लेकर न सिर्फ चिंता जाहिर की गई है बल्कि शैक्षिक सत्र के नुकसान से उनके भविष्य पर पड़ने वाले विपरीत परिणाम को भी दोहराया गया है। तहसीलदार साहेबांना निवेदन देण्याकरता या ठिकाणी आलेलो आहोत। मागील 2 वर्षापासून कोरोनामुळे जे शाळा बंद पडलेल्या आहेत त्याच्यामुळे जे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे आणि ग्रामीण भागातले जे विशेष विद्यार्थी आहेत ते शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत, त्यांचं कुठलंही शैक्षणिक नुकसान होऊ नये आणि शाळा पूर्ववत चालू व्हाव्यात या उद्देशाने आम्ही आज हे निवेदन दिलेलं आहे। यामार्फत तहसीलदार साहेब आणि मुख्यमंत्री साहेबांना आमची एवढीच विनंती आहे की विद्यार्थ्यांचे कुठलेही शैक्षणिक नुकसान होणार नाही याकडे लक्ष देऊन शाळा पूर्ववत चालू कराव्या। कुल मिलाकर देखा जाए तो गुरुकुल इंग्लिश मीडियम स्कूल के शिक्षकों की चिंता बेहद सही और काबिले गौर है। राज्य सरकार तत्काल स्कूलों को शुरू कर विद्यार्थियों के भविष्य के संभावित शैक्षिक नुकसान से उन्हें निजात दिलाए, यही समय की मांग है। ज्ञापन सौंपते समय मुख्याध्यापिका शेख आबेदा बेगम, उप मुख्याध्यापक शरीफ शेख, पर्यवेक्षक अनिकेत कोड़से पाटिल, संदीप शिंदे, अनिश शेख, जुनेद शेख, सैयद शोएब आदि शिक्षक उपस्थित थे। BCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।